सो फार एज डिसकैल्कुलिया इज कंसर्न, शुरू में भी हमने बताया कि कैलकुलेट कैलकुलेट, और ये कैलकुलेशन कहाँ होता है? मैथमेटिक्स से, न्यूमेरिकल एबिलिटी में। ऑब्वियस है कि डिसकैल्कुलिया से सफर करने वाले बच्चों में मुख्य रूप से जो प्रॉब्लम होगा वो न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग ठीक से नहीं होगी। सो इट इज अ लर्निंग डिजेबिलिटी दैट एफेक्ट्स द एबिलिटी टू ग्रास्प एंड सोल्व मैथमेटिकल कंसेप्ट एंड प्रॉब्लम्स, मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड कंसेप्ट जो है या प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशन में या न्यूमेरिकल एबिलिटी के समझने में उनको दिक्कत होगी। पीपुल विथ डिसकैल्कुलिया ऑफन हैव डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एंड मैनिपुलेटिंग नंबर्स। अब नंबर के देखने से लेकर इसके समझने और इसको मैनिपुलेट करने में डिसकैल्कुलिया से सफर करने वाले बच्चे को कठिनाई होती है, मतलब वो नंबर, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है, नंबर और स्पेस दोनों का साइंस है, या मुख्य रूप से कह रहे हैं कि पीपुल विद डिसकैल्कुलिया ऑफन हैव डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एंड मैनिपुलेटिंग नंबर्स, दे फाइंड डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग मैथमेटिकल फार्मूला। मैथमेटिक्स का जो फार्मूला है उसको रिकॉल करने में भी उनको दिक्कत होती है, यानी ये लगा दीजिए तो उलरल हो जाएगा। तो एक तो कि मैथमेटिक्स का फार्मूला उनको याद नहीं रहता है, नंबर जो राइटिंग है नंबर का, उसके जो न्यूमरल्स हैं, अल्फाबेट नहीं बोलते हैं उसको, न्यूमरल्स बोलते हैं 1 2 3, और तो उसको समझने में उनको दिक्कत होती है। इसके अलावा मैथमेटिक्स के फार्मूला को याद रखने में दिक्कत होती है और मैथमेटिकल इक्वेशन आदि को सोल्व करने में कठिनाई होती है। सो दे कैन नॉट रिकॉल एंड रिमेम्बर मैथमेटिकल स्टेप्स विथ ईज, मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई सवाल यदि है जैसे 1 बाई sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये इनको इस तरह के प्रॉब्लम को सोल्व करने में तो कठिनाई होगी ही, डिकोड करने में भी दिक्कत होगी। अब जैसे इसमें क्या है कि इसका क्लू है इस प्रॉब्लम, हालांकि ये तो जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी कठिनाई होती है, लेकिन हम एग्जाम्पल एक ले रहे हैं कि इस नॉर्मल को इस दोनों के टर्म में, जैसा कि हम सभी जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो यहीं से ये डिकोड होगा। तो इस तरह का कोई भी डिकोडिंग या कोई इक्वेशन कैसे बनेगा, जैसे आप पढ़ते हैं, छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं कि उनकी उम्र इतनी है, 5 साल बाद उनकी इतनी उम्र हो जाएगी, ये सब इक्वेशन बनाने का खेल है। तो ऐसे स्टेप्स को समझने में उनको बड़ी कठिनाई होती है। सो दे कैन नॉट रिकॉल एंड रिमेम्बर मैथमेटिकल स्टेप्स विथ ईज। इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग डिजेबिलिटी। लर्निंग डिजेबिलिटी के बारे में माना ही गया है कि सारी लर्निंग डिजेबिलिटी लाइफ लॉन्ग है, बट पर्सन सफरिंग फ्रॉम इट कैन बी टॉट टू अचीव सक्सेस एज इन डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में भी और इसमें भी जो पर्सन सफर कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत मैनेज करके अपने लाइफ में कर सकते हैं, क्योंकि इनके साथ एक प्लस पॉइंट क्या है कि एक आस्पेक्ट, जैसे मैथमेटिक्स का आस्पेक्ट तो उनका प्रोसेसिंग वाला प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी आस्पेक्ट में नहीं। लेकिन एक चीज़ और कि जब ये अर्ली एज से डिटेक्ट हो जाता है तो ऑब्वियस है कि इसका ठीक होना ज़्यादा आसान हो जाता है। सो इन वन वे और अदर वी कैन से दिस कैलकुलिया इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन, द नंबर सिस्टम, दी मैथमेटिकल इक्वेशन, दी मैथमेटिकल फार्मूला, और मुख्य रूप से गणित के प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग का जो पैटर्न है उसमें इनको दिक्कत होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डिसकैलकुलिया।